आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। गाइस, आज का हमारा क्वेश्चन है, डू द हेयर प्रेजेंट इनसाइड आवर नोज प्ले एनी रोल? जो हेयर्स हमारी नोज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्या वो कोई रोल प्ले करते हैं? यस, वो प्ले करते हैं। तो जो नेसल चैम्बर होता है, मींस नेसल चैम्बर मतलब नोज, नोज जो होती है उसमें क्या होते हैं, टाइनी टाइनी क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, जो किस लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ट्रैपिंग द डस्ट एंड जम्स। कहाँ से आते हैं ये डस्ट और जम्स? जो हम एयर क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, उसमें से ये क्या आ जाते हैं, डस्ट और वो आ जाते हैं जम्स। अब क्या म्यूकस जो होता है वो भी ट्रैपिंग ऑफ डस्ट और जम्स में हेल्प करता है? क्यों? क्योंकि उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है इस वजह से, ठीक है। और वो क्या प्रोवाइड करता है, मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, किसको, एयर को, ठीक है। इस वजह से हमें ये कहा गया है कि नोज से ही हमें ब्रीथ करनी चाहिए, माउथ से क्यों नहीं करनी चाहिए? क्यों? क्योंकि माउथ में ऐसे हेयर्स प्रेजेंट नहीं होते जो क्या करें, डस्ट और जर्म्स को बाहर ही रहने दें और एयर को अंदर आने दें। बट लेकिन किस में प्रेजेंट होते हैं, नोज में प्रेजेंट होते हैं टाइनी हेयर्स, जो क्या करते हैं, तो नोज में अगर हेयर्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो जो डस्ट और जर्म्स हैं वो डायरेक्टली हमारी बॉडी में चले जाएंगे, जिससे हमें बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। तो हेयर्स का क्या काम, हमसे क्वेश्चन पूछा गया, जो हेयर्स होते हैं नोज में उनका क्या काम होता है, तो वो क्या करते हैं, डस्ट और जर्म्स को आउट मतलब बॉडी के अंदर एंटर नहीं करने देते। थैंक यू गाइस। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।